बढ़िया क्यों आ रहा? ज्यादा बढ़िया, दूसरों को बढ़िया, ज्यादा बढ़िया। मैं ये सुनना था, क्या समझे भैया? कह रहे हैं कि अच्छे आप जाना फिर क्यों आए? डॉक्टर के पास जाना तो अच्छी बात नहीं। मैं कहा करता हूं डॉक्टर का रिश्ता और भगवान का रिश्ता बहुत गहरा होता है। जब भगवान रूठ जाता है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, और जब डॉक्टर रूठ जाता है तो भगवान के पास जाना। एक डॉक्टर साहब नए नए ऑपरेशन थिएटर में माला लेकर घुस गए तो पेशेंट डर गया। बोला जी माला क्यों लाए? बोला मेरा पहला ऑपरेशन कामयाब हो गया तो मेरे लिए, नहीं तो बेटा। समझ गए? खाली मैं बोला जीवन में हंसना बहुत जरूरी है, और हास्य भी योगा। मैं इससे पहले दीपक जी कुछ सेटिंग कर रहे हैं, मैं एक मिनट का समय आपके लूंगा। हंसने के साथ में कुछ कई बार दुख के समाचार भी आ जाते हैं। मैं एक मिनट का सपोर्ट आप लोगों तक कहता हूं। हम में बहुत सारे लोग जानते होंगे बाबा सत्यनारायण बोलिए को, कौन कौन जानते हैं? वेरी गुड, क्या बाबा के फ्रेंड्स काफी हैं। बाबा सत्यनारायण मौर्य आज एक यहाँ गो माता के ऊपर बड़ा कार्यक्रम के लिए बरेली से चल के दिल्ली की तरफ आ रहे थे। ट्रक से एक्सीडेंट हुआ और गंभीर चोटें लगी हैं बाबा जी को भी और उनकी पूरी टीम को, कुछ लोग हॉस्पिटलाइज हैं। बाबा ने सारा जीवन देश को राष्ट्र को समर्पित किया है, नाम विभाग किया, पूरा जीवन भारत माता की सेवा में अर्पित कर रखा है। वर्ल्ड के फास्टेस्ट पेंटर है। एक मिनट में भगवान राम की हनुमान जी की प्रतिमा बना देते हैं, एक हाथ में माइक होता नाचते नाचते प्रतिमा बना देते हैं। ऐसे एक बड़ा व्यक्तित्व है चेतना के, तो वो संरक्षक है। तो मैं आपका सपोर्ट ये चाहता हूं, कैसे कहते हैं कि सामूहिक प्रार्थना में बहुत एनर्जी होती है, वो ताकत होती है। अगर हम मिलकर भगवान से प्रार्थना करते हैं तो वो ऊपर वाला सुनता है। तो मैं ये चाहता हूं कि क्लास शुरू होने से पहले हम एक मिनट के लिए अपने स्थान पर खड़े होंगे, बाबा सत्यनारायण मौर्य और उनकी टीम के अच्छे स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, जल्दी ठीक होकर दिल्ली में। एयर एम्बुलेंस तैयार हो गई दिल्ली आ सकते। अच्छा, बहुत सारा गंभीर मामला है, एक बार भगवान से प्रार्थना करेंगे। महावीर जी ने सूचना दी आप लोगों को, जैसे प्लीज स्टार्ट। मैं आपका परिचय कर दूं। डॉक्टर दीपक सचदेवा जी को पहले कोई जानता था क्या? पहले सेमिनार से पहले कोई जानता था क्या? वेरी गुड, मतलब बाकी सब लोग पहली बार मिलेंगे आज इससे। तो ईश्वर की कोई कृपा है कि आज आप डॉक्टर दीपक सचदेवा जी से मिल रहे हैं। वो डॉक्टर तो है ही, एक बहुत ग्रेट ग्रेट पर्सनैलिटी है अपने आप। बहुत छोटी आयु में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है, बहुत बड़े बड़े लोग उनके पेशेंट हैं, देश के स्वास्थ्य मंत्री से लेकर लोकसभा के बहुत सारे सांसद, बहुत सारे मंत्री उनके पेशेंट हैं। और यही नहीं, देश के बड़े बड़े बुद्धिजीवी कलाकार उनके क्लिनिक में आते हैं,
और उन्होंने एक नया काम ये किया है कि एलोपैथ को और योगा को जोड़कर एक मेडिकल योगा के नाम से नई चीज का आविष्कार किया है। चाइना के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, पहले चाइना का सिस्टम था, एक ग्राम में एक वैद्य होता था और उस वैद्य का काम यह था अगर गांव के अंदर कोई व्यक्ति बीमार हो गया हो जाता था तो सारे लोग मिलकर उस वैद्य को लिखते थे। पता है गलती कोई करे सजा किसी को, अगर बीमार हो गए तो तेरे रहते हुए ये बीमार कैसे हो गया, समझ रहे? यानी कि अगर हम सब कुछ डॉक्टर पे ना छोड़े हम अपने लाइफ कैप्टन चेंज कर सके, हम बीमार ही ना पड़े। आज के वर्कशॉप क्या किस तरह भेजेंगे आपको, हम बीमार ही ना पड़े, कुछ इस तरह का कुछ इस तरह के टिप्स आपसे दे दी जाए कि यार आप हेल्दी रहे सदैव। इस फील्ड में काम कर रहे हैं डॉक्टर दीपक सचदेवा जी, योगा में पीएचडी हैं आप और हिंदुस्तान के अन्य अलग अलग शहरों में आप बड़ी बड़ी वर्कशॉप करते रहते हैं। अभी 16 तारीख को आप जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया 15 दिन के लिए, वहां पर ऑस्ट्रेलिया के कई शहरों में आपके वर्कशॉप हैं। चेतना में एक कक्षा के अंदर आप एक गेस्ट स्पीकर के रूप में आए थे, उसका आप कौन कौन लोग जितना एक घर के काफी सारे पुराने लोग हैं उस क्लास वाले, उस क्लास में जब आए थे तो एक घंटे में लोग इतने मोहित हो गए क्योंकि उन्होंने जो बंसी बजाई एक घंटे के अंदर, जैसे सुनते हैं कि कृष्ण के रैया बंसी बजा के चल दिया करते थे और सारे लोग उनके पीछे चल पड़ते थे, वैसे स्थिति उस दिन थी। आप बंसी बजा के निकल गए, मेरे को फोन पर फोन आने लगे कि भैया कब बुलाओगे डॉक्टर साहब को पूरे दिन के लिए। तो ये सेशन उस दिन डिसाइड हुआ कि एक दिन के लिए हम वर्कशॉप करेंगे डॉक्टर साहब के साथ में। आपने अपना कीमती समय दिया है, डॉक्टर साहब उपस्थित हो चुके हैं, मेरा ज्यादा बोलने का बनता नहीं। मैं चाहता हूं कि डॉक्टर साहब का पुष्प गुप्त से भूखा आया कि नहीं, अमित भूखा नहीं है आगे, तो मैं चाहूंगा कि डॉक्टर साहब का सम्मान किया जाए। तो चेतना परिवार की ओर से सब आप व्यवस्था में लगेगा, डॉक्टर भूषण जी आप जाएगा, मुझे आप ही दिख रहे, प्रवीण भारंग साहब भी दिखाई पड़ रहे थे, आ जाओ आप भी आ जाओ प्रवीण भाई, आप दोनों मिलकर सम्मानित करें डॉक्टर दीपक सचदेवा। एक बार तालियों से स्वागत। दो प्रार्थनाएं आपसे करूंगा, एक तो मोबाइल फोन जेब से निकाल दो, वह आपके पड़ोसी को डिस्टर्ब ना करे, आप तो नहीं होते डिस्टर्ब लेकिन पड़ोसी होता है। एक बार जियो और जीने दो, मोबाइल फोन निकाल के उसको साइलेंट पे करें, पहला काम पहली प्रार्थना तो आपको यह है। दूसरी प्रार्थना यह है कि एक नेटवर्किंग क्लास के साथ साथ चलती है, हमने यह तय किया है कि हर क्लास के अंदर हम इस बात को व्यवस्था कर नहीं पाए, अगले सेमिनार से बाहर पर एक ब्रोशर स्टैंड होगा, एक विजिटिंग कार्ड स्टैंड होगा, आप लोग वहां पर अपने ब्रोशर विजिटिंग कार्ड लगा सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। चाइना के अंदर ब्रोशर एग्जीबिशन होती है, चाइना के अंदर विजिटिंग कार्ड एग्जीबिशन होती है। कल मोदी जी फ्रांस में चिल्ला रहे थे कि मैं मेक इन इंडिया करूंगा, मेक इन इंडिया कहने से नहीं होगा, मेक इन इंडिया करने से होगा, बस मत। तो चेतना उस तरफ आगे बढ़ रहा है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, हर सेशन के बाद, हर ब्रेक के बाद, जब भी ब्रेक होगा आपको अपनी सीट चेंज कर लेंगे। जिन लोगों के साथ आप यहां आए थे उनके साथ नहीं बैठ रहे हो तो आपके साथ पहले जुड़े हो, यहां तक चार को निकले तो आपके जेब में 5 नए विजिटिंग कार्ड होने चाहिए कि मुझे 5 नए फ्रेंड मिले, 5 नए दोस्त मिले, इस संकल्प के साथ यहां से बाहर निकलना, तो आपका क्या होगा, हेल्थ ठीक हो जाएगी, आपकी जो इमोशनल हेल्थ है वो भी अच्छी हो जाएगी, ना जाने किस देश में नारायण मिल जाए। तो ठीक है, जिनके साथ दोस्ती है उनकी दोस्ती आप छोड़ दो, नए लोगों के साथ बैठो, और ये तो परिवार सारे इकट्ठा बैठे हैं, एक जगह बैठे हैं,
संतों को उठ जाना चाहिए। बाबा तुलसी रामानंद ने कहा, अगले सेशन के बाद आप यहां दिखाई भी पड़ते चले। ओके, थैंक यू वेरी मच, एक बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। हम लोग सीधे अपना टॉपिक शुरू करते हैं। मेरे साथ आज यहाँ मेरी टीम में पांच लोग और हैं, वो भी कुछ व्यवस्था में लगे हैं, जैसे फ्री होंगे मैं आपको उन सबसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा। मेडिकल योगा दो चीजों से बना है, मेडिकल एंड योगा। मेडिकल साइंस से हम लोगों ने लिए है मॉडर्न डायग्नोस्टिक टेक्निक, है ना, एक्सरे, एमआरआई, ब्लड टेस्ट, सीटी स्कैन, जो भी आपके नॉर्मल ब्लड टेस्ट होते हैं, आप कहीं पर जाते डॉक्टर को टेस्ट कराता है, उन टेस्ट के बेसिस पे आजकल ये आसन डिजाइन करना है इस मेडिकल योगा। सो मेडिकल योगा एक ऐसी व्यवस्था है। हेलो, मेडिकल योगा एक ऐसा सिस्टम है जहां पे आपकी जरूरत के हिसाब से सीक्वेंस बनती है। योगा में योगा में एक बड़ा कॉमन चीज आजकल हम लोग देखते हैं कि हर कोई योगा कर रहा है, मोदी जी योगा को प्रमोट कर रहे हैं, मैंने काम करेगा आपकी जरूरत की सीक्वेंसेस डिजाइन करते हैं। आजकल जितने भी लोग योगा कर रहे हैं, जितने भी लोग दिख रहे होंगे, 99.99% लोग किसी हेल्थ रीजन की वजह से योगा ज्वाइन किए हुए हैं। शायद ही बिरला एक ऐसा व्यक्ति होगा जो कि योगा क्लास में इसलिए जाता है कि उसको स्पिरिचुअल गेन्स कर रहे हैं। स्पिरिचुअल गेन्स के लिए योगा करना एक अलग चीज है, उसके लिए क्लासिकल योगा में यूज करते हैं। लेकिन जब बात आती है जब आप अपने किसी हेल्थ पर्पज से योगा कर रहे हैं, तो योगा आपके लिए कस्टमाइज होना चाहिए, जनरल सीक्वेंस नहीं चल सकती। कहने का मतलब यह है कि एक आप क्लास में जा रहे हैं, एक सर करा रहे हैं, एक मैडम करा रही है, और 15 लोग